والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. معزز ومكرم علماء الكرام، حاضرين مجلس، عزيز دوست اور بزرگو، عزیز نوجوان، میرے بھائیو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گمت کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جاری والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما دے. عزیز میرے بھائیو، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں. جو میرے پاس ہے، جو آپ کے پاس ہے، جو آئندہ آئیں گے ان کے پاس جو نعمتیں آئیں گی، یہ سلسلہ قیامت تک جو چلتا رہے گا نسل با نسل، اور اللہ تعالی نعمتوں کی بھرمار کرتا رہے گا، لیکن ایک وقت آئے گا تمام نعمتیں اللہ تعالی ختم کر دے. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں فنا ہونے کی، اور جو چیز میرے پاس اور آپ کے پاس رہنے والی ہی نہیں ہے تو اس پر فخر کرنا، اس پر اکرانا، اس پر دکھلاوا کرنا کوئی رائٹ ہی نہیں بنتا ہے میرا اور آپ. کیونکہ وہ چیز میرے پاس رہنے والی ہی نہیں ہے. لیکن آپ تھوڑا دھیان سے اور دماغ لگا کر
दिल की गहराइयों से सोचोगे तो एक चीज बाकी रहेगी। तमाम चीजें अल्लाह ताला फना कर देगा, मौत आएगी, जितना भी बैंक बैलेंस है, जितनी भी गाड़ियां हैं। देसी भाषा से समझाता हूं कि बात समझ में आ जाए। जितने भी प्लॉट हो, फ्लैट हो, जितनी भी दुनिया की चीजें ले लो, मौत के झटके पर इंसान फोन की आईडी बदल देता है, इंसान घर के अंदर वो नाम को कमी करवा देता है, गाड़ी उसके नाम पर हो तो उसको ऑनर बढ़ाकर दूसरे ऑनर को डाल देता है कि भाई ये तो चला गया। जैसे ही इंसान की रूह और आत्मा और सौल निकल जाती है, उसका हर जगह से नाम, बोलो जोर से, निकल जाता है। और एक चीज उसके पास जो बाकी रहने वाली है, जो उसके मौत के वक्त भी उसके साथ होगी, कब्र में भी उसके साथ होगी, और कल कयामत के दिन भी, बोलो भाई, उसके साथ, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलीमा ये मेरा और आपका पीछा नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। बोलो कि जितनी भी मेहनत हो रही है बयानात के जरिए, जन्नत को अल्लाह अपने फजल पर देगा। मेरे और आपके वो आमाल नहीं है कि वो आमाल पर अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत देगा, लेकिन अल्लाह जन्नत देगा जरूर भी जरूर इंशाअल्लाह देगा, लेकिन वो अल्लाह के फजल से मिलेगी। किससे मिलेगी, बोलो जोर से, अल्लाह के फजल से। आज जो नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, सदका खैरात कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तरावियां पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ रहे हैं, पांचों की फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं, ये सब ईमान को बनाने की कोशिश हो रही है। क्या बनाने की, बोलो जोर से, ईमान बनाने की। और ये ही साथ आने वाला है, हर चीज यहां छोड़ देंगे, मौत का झटका आएगा, तमाम चीजें वहां से हट जाएगी, एक चीज रहने वाली है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। आप वक्त के बादशाह भी बना दे अल्लाह ताला मुझे और आपको, दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह बना दे। पूरी दुनिया में चंगेज खान ने हुकूमत की, पूरी दुनिया के अंदर चंगेज खान की हुकूमत थी और उसकी 600 बीवियां थी, कितनी बोलो तो उसे, लेकिन बोलो आज कोई नाम बाकी है उसका नहीं। फिरौन, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी उम्र दी थी, 450 बरस तक उसके सर में दर्द भी नहीं हुआ था, कैसी सेहत होगी। सिकंदर, पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाला बादशाह, 33 साल उम्र बस दुनिया से चला गया। उसने वसीयत की थी कि जब मेरा जनाजा उठाया जाए तो मेरे जनाजे के दोनों तरफ मेरे हाथ खाली हाथ दिखाया जाए कि मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, इतनी छोटी सी उम्र, 33 साल की उम्र, मेरे से भी छोटा, मैं तो 35 साल का हूं, लेकिन मेरे से भी छोटी उम्र, 33 वर्ष पूरी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन दुनिया से गया तो क्या लेके गया, बोलो भाई, कुछ लेके गया, खाली हाथ आया था और खाली हाथ गया है। ये सबक देखे गए, दुनिया में आपको मुझे और अल्लाह ताला हुकूमत दे दे, वक्त का बादशाह भी बना दे, लेकिन मौत के झटके पर तमाम चीजें छुट जाए। इसलिए मैं एक शायर कहा करता हूं कि आज दुनिया में जो लड़ाइयां होती है, मंदुक होते हैं, एक दूसरे में उतार और चढ़ाव आता है, तो आज वो चराग उतार को दरगुजर करना चाहिए। कोई यहां रहा नहीं है और आइंदा, बोलो भाई, रहेगा भी नहीं। हमें तो उसकी फिक्र करना है जो हम जीते हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जीते हैं, जो जिंदगी गुजारते हैं, उससे ज्यादा साल हमें कब्रों में सोना है। हमारे बाप दादा कई सालों से कब्र में बेचारे पड़े हुए हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कयामत कब आए कि हम जन्नत में दाखिल हो जाए।
और अल्लाह के सामने कयामत के दिन खड़े हो जाए मिट्टी झाड़ते हुए, और हमारी सोच क्या है? और सब अजू आगे भी ना बनी जाए, अजू आप और प्लानिंग बाकी छे, अजू मरू आप काम बाकी छे, गुजराती तो आवड़े कि नहीं आवड़े? अल्लाह बोलो नहीं भाई जोर से, जैसे बिरयानी खावानी छे बोलो जोर से, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंसान दुनिया के प्लानिंग में बनाता है, लेकिन जो असल जिंदगी है मौत के बाद, उस ईमान की फिक्र मैं और आप कितनी करते हैं? फिरौन के पास क्या नहीं था, लाल लाल टमाटर की तरह था, सारे 9 फीट लंबा था, सारे 9 फीट लंबा, खूबसूरती थी, मालो दौलत थी, इज्जत थी, शोहरत थी, और बोलो बादशाह की कुर्सी भी थी, लेकिन क्या नहीं था? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज देखो अल्लाह का नाफरमान बनकर दुनिया से गया, तो अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया और कुरान में ऐलान कर दिया कि तुझे कयामत तक इबरत के लिए रखेंगे, कयामत तक। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية فرعون ہم تیری لاش کو قیامت تک اسی حالت میں رکھیں گے لمن خلفك آیا کہ تیرے پیچھے آنے والے ظالم بادشاہوں کے لیے نشاندہی بن جائے کچھ لے کے گیا بولو زور سے نہیں سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی حکومت ایسی حکومت میں آپ کو قرآن کے واقعات سے میں آپ کو موجودہ حالات پر لاؤں گا सुलेमान अलैहिस सलात व सलाम ऐसी हुकूमत अल्लाह ताला ने न दी पहले न किसी को दी है और बोलो भाई बाद में किसी को अल्लाह ताला ये हुकूमत देगा। हवा पर भी हुकूमत, चलिन और परिन पर भी हुकूमत, जिन्नातों पर भी हुकूमत। आप जाओ मस्जिद अक्सा, ये हमारा पहला किबला है, अल्लाह ताला यहूदियों के हाथों से अल्लाह उसकी नजात अता फरमाए, उसको आबाद कर दे अल्लाह ताला। इसलिए कयामत से पहले पहले हैकल सुलेमानी, जो हजरत सुलेमान अलैहि सलात व सलाम का जो वाकया है ना, वही कयामत से पहले पहले हैकल सुलेमानी बनेगा और वहां से पूरी दुनिया में हुकूमत चलेगी। जैसे आज अमेरिका वाले सबसे बड़े पावर है ना, आज ऐसे ही हैकल सुलेमानी, वहां से मुसलमानों की पावर पूरी दुनिया में होगी इंशाअल्लाह। ये कयामत की निशानियों में से है। ये जिन्नातों ने बनाई थी मस्जिद अक्सा, एक साल के अंदर देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ के पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर पत्थर लाए और ऐसे पत्थर जमा किए हैं कि आज की साइंस भी वो लोग भाई उसके सामने फेल है कि ऐसी मस्जिद और इस तरह बड़े बड़े पत्थर को जमाना ये इंसानों की बस की बात नहीं है। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसका वाकया बयान फरमाया और इबरत ली कि देखो इतने बड़े बड़े बादशाह भी आए लेकिन बोलो भाई एक वक्त आया तमाम चीजें छोड़कर चले गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नातों को बुलाया और तमाम जिन्नातों को बुलाकर अल्लाह ताला ने फरमाया, सुलेमान उनको हुक्म दो कि मस्जिद अक्सा की तामीर करें, मस्जिद अक्सा को बनाए। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? बोलो हजरत सुलेमान। मुझे मेरी तकरीर को लच्छेदार भी बनाना है, मुझे कुरान समझाना है, आप साथ दोगे तो इंशाल्लाह समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त के बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन गए, बड़े बिल्डर बन गए और जिन्नातों को हुक्म दिया कि एक साल में मस्जिद अक्सा की तामीर हो जानी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेहराब में खड़े हो गए और बगल में असा दबा दिया और बगल में असा दबा कर कहां खड़े हो गए? नमाज में खड़े हो गए। जैसे ही नमाज में खड़े हुए मलकुल मौत आए और अल्लाह ने कहा कि उनकी रूह को निकाल कर कहां दाखिल करो? जन्नत में दाखिल करो। जिन्नात लोग देख रहे हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहां से जावे तो हम इतना भारी भरकम, इतना सख्त काम, इतना हैवी काम छोड़कर जल्दी से क्या करें? भाग जाए। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह को प्यारे हो चुके थे,
यहां कुरान के मुफस्सिरों ने लिखा है अगर जिन्नातों को भी गैब की खबर होती तो काम छोड़कर भाग जाते, लेकिन आजकल के बापुओं को गैब की खबर कैसे पड़ जाती है वो पता नहीं चलता। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْرِ بِمَا عَمِنُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ हमने जिन्नातों को भी गैब की खबर नहीं दी, अगर अल्लाह ताला गैब की खबर देता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देता। इसलिए आपको हदीस पाक में भी आपको थोड़ा सा ले जाता हूं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया अल्लाह के रसूल ने फुना टाइम पर फुना वक्त पर मैं आपकी मुलाकात पर हाजिर होने वाला हूं, बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहि सलातो सलाम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिब्रील बोलो आए नहीं। अल्लाह के नबी और अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के बोलो वक्त के पास, वो वक्त के मुखालिफत नहीं करते, वक्त पर आ जाते, टाइम पर ही आ जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबरा गए, मस्जिद घर से बाहर जा रहे अंदर आ रहे बाहर जा रहे अंदर आ रहे। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ में जो असा था वो भी तकलीफ के मारे वो लकड़ी छूट गई। अगर आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे सर के ताज क्या बात है, आपको कौन सी चीज परेशान कर रही है कि आप बाहर जा रहे अंदर आ रहे बाहर जा रहे अंदर आ रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा जिब्राइल ने मुझे वक्त दिया था, वो वक्त पर नहीं आए, मैं इसलिए परेशान हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकले तो एक कोने में जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को खड़ा हुआ देखा। थोड़ा ध्यान से सुनना, खड़े हुए देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख थोड़ी खुशी के मारे बनी हुई और थोड़ा होश आया कि हाँ जिब्राइल आए, और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को पूछा जिब्राइल अब वक्त पर नहीं आए, या रसूल अल्लाह मैं वक्त पर ही आ चुका था लेकिन अल्लाह ने आपके घर में आने से रोका था। क्या कहा? अल्लाह ने आपके घर में आने से रोका था। बोले मेरे घर में आने से? कहा या रसूल अल्लाह आपके घर में आने से रोका था। बोले क्यों? कहा जो माइशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जो चद्दर बिछाई है जो चारपाई पर वो नीचे तक लटक रही है और चद्दर के पीछे कुत्ते का एक पिल्ला कुत्ते का एक कुरकुरिया पीछे बैठा हुआ है और रहमत के फरिश्ते और जिब्रील अमीन उस घर में नहीं आते जिस घर में कुत्ता और तस्वीर लटकी हुई हो। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारत फरमाया इन्ना ला नदखुलु बैतन फीहि कल्बुन वला सूरा, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता पला हो या बोलो भाई तस्वीरें लटकती हो। हम शादी के बाद सबसे पहले बेड के पास क्या रखते हैं? हमारी शादी में फोटो से जो कितना खूबसूरत ना हो, हालांकि रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई दलील नहीं फरमाई। जिब्राइल ने जब यह बात सुनी तो घर में तशरीफ लाए, चद्दर को उठाया तो देखा कि मदीने के अंदर जो कुत्ते घूम रहे उसका एक बच्चा कहां आगे बैठा हुआ है? चद्दर के पीछे। यहां मुहद्दिसी हदीस को लिखने वाले ये बयान करते, मैंने कुरान से नहीं बतलाया हदीस से नहीं बतलाया कि मुहद्दिसी बतलाते हैं अगर अल्लाह के नबी को गैब की खबर होती तो बोलो भाई चद्दर के पीछे जो कुत्ते का पिल्ला बैठा हुआ था तो अल्लाह के रसूल को क्यों नहीं पता चला? याद रखो अल्लाह के अलावा किसी को गैब की खबर नहीं। आज ही तरावी में नहीं नमाज में हमारे इमाम साहब ने पढ़ा कि पांच चीजों का इल्म अल्लाह ताला ने किसी को दिया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअ, कयामत कब आएगी उसका सही इल्म किसके पास है? ويعلم ما في الارحام, माँ के पेट में बच्चा है बच्ची उसका सही इल्म किसके पास है? अल्लाह के।
एक सेकंड के बाद, एक लम्हे के बाद मैं और आप क्या करने वाले पता है? मेरा और आपका क्या होने वाला है पता है? किसको पता है? अल्लाह। और तुम्हारी मौत कब आएगी, कहां आएगी, किस वक्त आएगी, उसका इल्म किसके पास है? और बारिश कब होगी, कितनी होगी, कहां होगी, उसका इल्म भी किसके पास है? ये पांच चीजों का इल्म तो अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया, नबियों को भी नहीं दिया है, और गैब की खबर तो अल्लाह ताला ने बोलो भाई किसी को दी नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नातों को कहा कि मस्जिद अक्सा को बनाना है, एक साल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इधर कॉन्ट्रैक्ट देकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेहराब में अज़ान दबाकर खड़े हो गए, इधर मौत आ गई। और लकड़ी खाने वाली उधरी को भी, कीड़े को भी अल्लाह ताला ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि ये असे को थोड़ा थोड़ा खाना है, उसको एक साल में खत्म करना है, और एक साल में मस्जिद अक्सा भी बन जाएगी, और इधर एक साल के अंदर लकड़ी भी अंदर से खोखली होगी, और लकड़ी के दो टुकड़े हुए तब जाकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बदन मुबारक जमीन पर आया, तब जाकर जिन्नातों को पता चला कि हजरत सुलेमान तो अल्लाह के प्यारे होते हैं। तो अजीजो मेरे प्यारो, इतने बड़े बड़े बादशाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, चरिन बरीन हैवाना जमाना और तमाम इंसान और जितने भी मखलूकात है तमाम के बादशाह कौन थे? हजरत सुलेमान। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम की हाजिरी ली। आपको नहीं पता चलेगा हाजिरी क्या होती है, ये जो तलबा बैठे हैं उनको जाके पूछो हाजिरी क्या होती है। जैसे ही जुमा की शाम होती है, मगरिब की नमाज के बाद एक उस्ताद खड़ा होता है कि बोलो चलो कौन कौन आवे लुचे में, कौन कौन नठी आए, हो वहां से हाजिरी शुरू होती है कि भाई आज जुमा को कौन गैर हाजिर है और कौन हाजिर हो गया है, और जो गैर हाजिर होता है वो सनीचर को अच्छी सी उसकी पिटाई होती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम की हाजिरी ली, और हाजिरी में एक परिंदा गैर हाजिर था। कुरान में वाकिया है, एक परिंदा क्या था बोलो जोर से, गैर हाजिर, जिसका नाम था क्या? वतफक्कदत तैर फकाल मा लिय ला अवल हुदहुद अन कान मिन अल सलाम ने चंद परिंदों को कहा ये कहां गया है, उसको पकड़ के लाओ, उसकी सख्त से पिटाई करूंगा। आज की जुबान में, तलबा की जुबान में कहो कान पकड़ा कर उसको तंबी करूंगा। कुरान ने इसका तर्जमा है, कुछ परिंदों को आसमानों में लगा दिया कि देखो हुदहुद किधर से आ रहा है। थोड़ा सुनने जैसी बात है, हुदहुद कौमे सबा की तरफ से आ रहा था। कौमे सबा कौन है? ये बिल्किस बानो, कौमे सबा। अल्लाह ताला ने एक नबी भेजा, कितने नबी भेजा? एक नबी भेजा, सबके सब ईमान लिया। फारसलना अलैहिम सैलल आरिम वबदलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन। एक नबी भेजा, सबके सब ईमान लिया है। जब ईमान लिया है तो अल्लाह ताला ने सबसे पहला इनाम अल्लाह ताला ने उस पर रहमत की बारिश को बरसा। जब रहमत की बारिश हुई तो उनकी खेतियां लहलहाने लगी, और जब खेतियां लहलहाने लगी इतना फ्रूट आया। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में रिवायत नकल की है कि कौम सबा को फ्रूट को तोड़ना नहीं पड़ता था, सर पर टोकरा रखकर एक दरवाजे से, वारी के एक दरवाजे से दाखिल होते थे, दूसरे दरवाजे से निकल जाते थे। वो टोकरे में टकरा 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 कर वो पूरा टोकरा भर जाता था फ्रूट का। इतनी अल्लाह ताला ने फरामानी कर दी थी माल की, फ्रूट की। अब इतनी फरामानी के बाद, इतना खुशादगी के बाद, वो दूसरे मुल्क में वो लोग फ्रूट भेजते थे तो वहां की करेंसियां उनके पास आई, तो वो लोग क्या हो गए? मालदार हो गए।
जब माल आया तो अल्लाह ताला ने उन पर जकात फर्ज फरमाई, वो लोग जकात भी देने लगे। जब माल आया और जकात देने लगे और बड़े बड़े डैम बनाए उन्होंने, क्या बनाए, फारसलना अलैहिम सैलल अरीम, बड़े डैम बनाया और डैम बनाने के बाद उसके अंदर पानी को जमा किया और पानी को जमा करने के बाद शैतान ने यह वसवसा डाला, कुछ मत करो अय्याशी करो, क्या करो। ये अय्याशी कितना खतरनाक लफ्ज है कि उसमें तमाम गुनाह आ जाते हैं। आज हमारे पास सब कुछ नेमत है लेकिन हम अय्याशी परस्त बन गए हैं। होता है, देखा जाएगा, करेंगे, यही अल्फाज हमारे हैं। मौल साहब आप पर थोड़ा कर्जा लाए हो, एक तो तुर्की पर जलजलो आए हो तो तुर्की ने आलोक मन ही किया, पर हमारा ऊपर थोड़ा हालात आए हुआ। हालात जब आते हैं तो किसी को बता के नहीं आते, हालात आते हैं तो इंसान को झंझोड़ कर रख देते हैं, हालात आते हैं तो इंसान की कमर को सीधी कर देते हैं। हालात अल्लाह ताला दूसरी जगह इसलिए भेजता है कि इनको देखकर खुद समझ जाए, उसको देखकर बोलो क्या हो जाए, खुद समझ जाए। शैतान ने वसवसा डाला कि देखो कुछ मत करो, अय्याशी करो। जब वो अय्याशी पर लगे तो अल्लाह ताला ने 13 नबी भेजे, कितने बोलो जोर से, 13। कुरान का वाकया है, मैं कोई जरीफ हदीस बयान नहीं कर रहा हूं, जितने भी वाकयात बतलाया मैंने कुरान की बात है। उन पर 13 नबी भेजे अल्लाह ने, लेकिन जब 13 नबी आए तो एक की बात सुनी नहीं। एक नबी आया, ईमान ले आया, जब नेमतों की भरमार हुई, नेमतें उनके पास आई, बैंक बैलेंस हो गया, बड़ा डैम बना दिया, तो अल्लाह से कहने लगे कि अल्लाह तो आसमानों से पानी ना बरसाए तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत बड़ा डैम है, उसमें से पानी इस्तेमाल करते रहे, अल्लाह के नाफरमान बने। जब अल्लाह के नाफरमान बने तो अल्लाह ताला ने 13 नबी भेजे। लेकिन याद रखो, जब माल का नशा जहन पे आता है, माल का नशा जब जिंदगियों में आता है, माल का नशा जब अय्याशियों में आता है, इंसान को बर्बाद करके रख देता है। आज अजीजों मेरे प्यारों, अल्लाह की हर नेमत की हम खाकर हम अल्लाह की नाफरमानियों में पड़े हुए हैं, और जब कोई समझाने के लिए उनके पास आता है तो कहते हैं मौल साहब तुम्हें तुम्हारी कबर में हुआ ना चे, हमें हमारी कबर में हूं, तुम्हें तुम्हारी फिक्र करो, कहते कि नहीं कहते। बेचारे जमात वाले आते हैं, कोई औलमा समझाने के लिए आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, बस मौल साहब बड़ा वो बयानो हमारा कोई सुधरू नहीं, अबे हूं सुधरवाना होता है। ये हमारे अल्फाज है आज अजीजों मेरे प्यारो, जब गुनाहों पर समझ जाएंगे कि हम लोग गुनाह ही नहीं कर रहे हैं तो तौबा की तौफीक भी कैसे होगी। हम माल नेमतें और अलग 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 अल्लाह ताला की नेमतें खाकर इस्तेमाल कर हम समझते हैं हम तो बड़ी फैसिलिटी में हैं, हम तो बड़े आराम में हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन याद रखो अजीजों मेरे प्यारो, कौम नूह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम पर 950 बरस तक मेहनत की, कितने 950 वर्ष, खुदी दीन हम जाऊ पर दीन हमजमा नहीं आओ, और कौम नूह को समझा दे तो और कौम को गलत रास्ते पर ले जाने वाले 3 सरदार थे वो खाना पीना लेकर जूदी पहाड़ पर चढ़ गए। उस वक्त का सबसे बड़ा जूदी पहाड़ आज भी है इराक और तुर्की के बीच, जूदी पहाड़ पर गार के अंदर चले गए, भूख लगी तो खाना खाया, प्यास लगी तो पानी पिया, और आपसों में बात करने लगे, कभी हमारे बाप दादाओं ने यहां पानी नहीं आते देखा, हमें कौन मार सकता है। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनको लगी पेशाब, उनको क्या लगी बोलो जोर से, और ऐसी पेशाब शुरू हुई कि उनका गार उनकी ही पेशाब से भर गया, और अल्लाह ने उनके ही नापाक पानी में अल्लाह ने डुबो कर मार दिया। क्यों, कौम को गलत रास्ते पर ले जाने वाले थे, कौम को बहकाने वाले थे, कौम को अल्लाह से दूर करने वाले थे। कौम को तो अल्लाह ताला ने पाक पानी में, जमीन और आसमान के पाक पानी में मारा, लेकिन कौम को बहकाने वालों को किसने मारा,
उनके ही नापाक पानी में डूबो कर रहा। अजीजों मेरे प्यारो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह के सामने रो। और अल्लाह ने हमें दिया है माल दौलत इज्जत शोहरत जबान की ताकत, चाहे माल दौलत ना हो लेकिन जबान की ताकत ऐसी हो किसी को कह दे तो मुसलमानों उसकी मदद हो जाए। ये भी सच्चे से खाली नहीं है, जो देने वाला है जो देगा, लेकिन जो कहने वाला है उसको भी अल्लाह उतना ही सवाब अदा करेगा। आज अजीजों मेरे प्यारो, अल्लाह के बैंक में जमा कराओ, अल्लाह की बैंक। आज हम लोग बैंक में जमा कराते हैं पैसा तो कहते हैं कि मौल साहब घर में पैसा मुकूब खतरो छे, मतलब गुजराती तो आवड़े कि नहीं आवड़े। पैसा घर में रखना खतरा है, चोरी हो जाए, कोई दुश्मन आ जाए, कोई चोर आके उसको ले जाए तो उसको कहां करवाते? बोलो भाई हम बैंक में जमा कराते। और उसको बैंक में जमा करा दे तो वो बैंक वाले साल भर उसको रखेंगे तो 2.5% हमें क्या देंगे बोलो? अरे बोलो, ब्याज देंगे। अल्लाह भी फरमाता है तुम मेरी बैंक में जमा कराओ मैं 60% आपको दूंगा। कितनी बोलो जोर से? 10% दुनिया में और 50% आखिरत में। तो कौन सी बैंक में रखना बेहतर है आप खुद फैसला करो। अल्लाह की बैंक में रखो, अल्लाह की बैंक में जमा कराओ। अल्लाह ने दिया हो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। खर्च करने वाला कभी भी गरीब नहीं होता, जमा करने वाले का माल कभी ना कभी जाय हो जाता। लेकिन अल्लाह के रास्ते में देने वाला, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला, गरीब यतीम बेवा लाचारों की मदद करने वाला, अल्लाह के घर की मदद को करने वाला, उसका माल कभी अल्लाह ताला जाए नहीं करता। अल्लाह ताला ने दिया है तो दो, ये अल्लाह की नियामत है ये भी कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये हाथ से कौन सा हाथ अच्छा है? देने वाला हाथ अच्छा है। तो हम हमेशा दुआ करो कि अल्लाह हम सबको देने वाला बनाए। बोलो आमीन। हाँ तो अजीजों मेरे प्यारों, कौम सबा इतना माल इतनी दौलत थी वो अय्याशी पर उतरे, गुनाह करने पर उतरे। तो अल्लाह ताला ने 13-13 नबी भेजे लेकिन नहीं माने, पैसों का नशा जहन पर चला तो वो नहीं माने। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब उन पर अजाब भेज, अब उन पर अजाब भेजो। कैसा अजाब? जितने भी वातावरण, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौम सबा का वातावरण और आबो हवा इतनी अच्छी थी कि उनके अंदर कोई बीमार भी नहीं होता था, और पड़ोसी मुल्क का पड़ोसी गांव का कोई आदमी बीमार हो जाता था कौम सबा से एक मतलब चक्कर लगवा दिया जाता था तो वो भी अच्छा हो जाता। मक्खी मच्छर बिल्ली कुत्ता जितने भी बीमारी के असबाब है अल्लाह ने तमाम को उठाकर रख दिया, वहां पे छोड़ा ही नहीं था। अब वो लोग नाफरमानी पर उतरे तो अल्लाह ताला ने जिस चीज पर फखर करते थे, फारसलना अलैहिम सैलल आरिम, जिस चीज पर फखर करते थे अल्लाह ताला ने उसी चीज से उनको मार कर दिखाया। अल्लाह का फायदा है बंदा जिस चीज पर फखर करे अल्लाह उसी चीज से उसको मारकर दिखाता है। और डैम पर फखर करते थे कौम सबा, अल्लाह ताला ने डैम के चारों तरफ अंधे चूहे पैदा कर दिए। गुजराती में उंडेला क्या है? अंधे चूहे पैदा कर दिए। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयानुल कुरान में लिखा है कि जब वो सुबह उठे तो देखा कि भाई डैम के चारों तरफ क्या देख रहे हैं? चूहे, वो भी आंखों से अंधे। तो उन्होंने कहा कि भाई उनका इलाज क्या है? कहा उनके लिए बिल्ली मंगवाओ, बिल्लियां मंगवाओ। अब उन्होंने पैसा खर्च करके दूसरे मुल्क में से बिल्लियां मंगवाई, और जब बिल्लियों को चूहों के सामने छोड़ा गया तो बिल्लियां चूहों को देखकर भागने लगी, उल्टी ही चाल चलते हैं दिवंगा में इष्ट। बयान कुरान में हजरत मौलाना शबीर थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है अगर बिल्लियों को छोड़ा तो बिल्लियां भाग गई, अगर वहां शेरे बबर को भी छोड़ दे तो शेरे बबर को भी भागना पड़ता दुख दबा। क्यों? कि ये चूहे नहीं थे, ये अल्लाह का अजाब था। अल्लाह ताला ने कहा चूहों को कि ये डैम की जो सबसे फाउंडेशन की जो पहली ईंट है
उसको दो दांत से निकालो। जब उनकी ईंटों को निकाला गया तो बताओ दीवार मजबूत रहेगी या कमजोर हो जाएगी? कमजोर हुई और वो डैम की दीवार नीचे आई और पानी का सैलाब थाटे मारता हुआ कौम सबा के अंदर दाखिल हुआ। कुरान की तफसीर के लिखने वालों ने लिखा है कि औरतें मर्द को पकड़ती थी और बच्चे माओ को पकड़ते थे और मर्द घर की खिड़कियों को घर के दरवाजों को पकड़ते थे, लेकिन ये पानी का सैलाब और पानी का अजाब अल्लाह ने सबको तबाह बर्बाद कर दिया। कुरान ने इशारा फरमाया अल्लाह ने सब को मारकर नेस्त और नाबूद कर दिया। जब ईमान ले आए नेमतों की बारिश बरसाई, जब नाफरमानी पर उतरे अल्लाह ने अजाब बनाकर बोलो भाई सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो अजीज मेरे प्यारो, हमें और आपको अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। उसमें सबसे बड़ी जो नेमत है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी इबादत करना है। और कब तक इबादत करना है? जब तक मलिकुल मौत ना आ जाए, हमारी रूह खींचने वाला फरिश्ता ना आ जाए, वहां तक इस ईमान की इबादत करना है। ईमान की इबादत कैसे करना है कि भाई मस्जिदों में आते जाते रहो, ईमान वाले हलकों में बैठते रहो, कुरान पाक की तिलावत करते रहो, अल्लाह से मांगते रहो कि अल्लाह हमारे ईमान की इबादत करो। ये अल्लाह ये फितनों का जमाना चल रहा है, घर से बाहर निकलते हैं तो भी ईमान का खतरा है, मस्जिद के बाहर निकलते हैं तो भी ईमान का खतरा है, मार्केट में जा रहे हैं तो भी ईमान का खतरा है। ये अल्लाह हमारे और हमारी औलादों की ईमान की हिफाजत फरमा और हमें जहन्नम की आग से हिफाजत फरमा। क्योंकि ये कुरान में अल्लाह ताला ने बतलाया कि ईमान वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए अजीजों मेरे प्यारों, ये बयानात, ये जमा करना, ये लोगों के सामने कुरान और हदीस का तस्किरा करना, उसका मुजाकरा करना, उसका तकरार करना, ये सब हमें यही दावत देते हैं कि भाई हमारा ईमान बचकर हम ले जाए कि भाई हमारी मौत का वक्त आए तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो जाए। तो अजीजों मेरे प्यारों, आज जो हम जिस जमाने में और जिस हाल में और जिस मौजूदा हालात में रह रहे हैं, इसमें हमें इस चीज की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए कि भाई नेमतें तो बहुत है लेकिन कोई नेमत बाकी रहने वाली नहीं है, हर नेमत मौत के झटके पर फना होने वाली है, एक नेमत मेरे और आपके साथ आने वाली है, वो नेमत है ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कैसे बन जाए, वो कैसे उसकी इबादत हो जाए, वो कैसे मुझे मौत के वक्त वो नेमत मेरी जुबान से जारी हो जाए, तो याद रखो ये नेमत मेरी और आपकी जुबान से जारी हो गई मौत के वक्त। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आखिर कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दखल अल जन्ना, उसका ठिकाना कहां है? हमें उसकी फिक्र करना है। इसकी फिक्र के लिए साथ साथ मुसलमानों अपने मसाजिद, अपने बच्चों, अपने मां बहनों की, अपने औलादों की, अपने जवानों की, अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले मुसल्लिया हजरात की, ये तमाम की फिक्र करने की जिम्मेदारी एक दूसरे की बनती है। किसी एक पर अल्लाह ताला ने थोपा नहीं है कि भाई तू कर ले, तेरी जिंदगी तू खुद बना ले, लेकिन नहीं, खुद का भी ईमान बनाए और लोगों का भी बोलो ईमान बनाए। जद्दीदो ईमानकुम जद्दीदो ईमानकुम उसकी दावत देते रहे, उसको दावत को बोलते रहे, लोगों को समझाते रहे, तो याद रखो लोगों को कहते कहते अल्लाह मुझे और आपको करने वाला बना देगा। मैं आपको सब कुरान के थोड़े थोड़े वाकया तफसील में नहीं गया,
मैंने इशारतन तमाम वाकयात को बतलाकर मेरा कहने का मंशा ये है कि जितनी भी नेमतें हैं तमाम चीजें क्या होने वाली है, बोलो जोर से। फिरौन को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ मेरा पैगाम लेके फिरौन को जाकर कहो अगर तू ईमान लिया है, सुनो मेरे और आपके पास जो नेमत है ना वो कितनी बड़ी दौलत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाओ मेरी दावत को लेकर और फिरौन को कहो अगर तू ईमान लिया है तुझे कयामत तक जिंदा रखूंगा। कहां तक बोलो भाई, मौलाना शबी थानवी ने भी ये बात लिखी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 300 वाकियात मौलाना अख्तर मेमन करके हैं, उन्होंने भी ये वाकियात में ये लिखा हुआ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा और कहा अगर तू ईमान लिया है और मुझे अल्लाह का रसूल और नबी मान ले तो अल्लाह ताला तुझे ऐसी नेमतें देगा कि दुनिया का कोई बादशाह और दुनिया की कोई नेमत तुझे दे नहीं सकती। बोले वो कौन सी? कहा कि तू ईमान लिया है कयामत तक तू जिंदा रहेगा। कोई रख सकता है? बोलो कयामत तक, ये अल्लाह ही रख सकता है। कयामत तक तू सेहतमंद रहेगा। तीसरा इनाम, जो तू ईमान लिया है कयामत तक तू जवान रहेगा। चौथा ईमान, कहा कि चौथा इनाम अगर तू ईमान लिया है फिरौन तो कयामत तक तेरी बादशाहत रहेगी। बोलो वो नेमत को दे सकता है? लेकिन बोलो वो ईमान नहीं लाया और आज इबरत का निशान बना है तो ये ईमान न लाने की वजह से अल्लाह माफ कर देता है चाहे जितने भी बड़े गुनाह करके लाए इंसान, एक मर्तबा सच्ची और पक्की तोबा कर ले अल्लाह के सामने। इसलिए तो हदीस में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया के और आसमान में जितने खला है मेरा उम्मती गुनाह करते 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 भर दे और एक मर्तबा अल्लाह के सामने सच्ची और पक्की तोबा करने की नियत के साथ आ जाए अल्लाह ताला उसकी तोबा को कबूल करकर उसके तमाम गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देगा। अजीजों मेरे प्यारो, हम हमारी नेमतों की जो अल्लाह ताला ने दी है उस पर शुक्रिया अदायगी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और उसमें सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ईमान दिया है, इस ईमान की हिफाजत करते हुए जिंदगी गुजारेंगे, उसको ताजा करेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अजीजों मेरे प्यारो, अल्लाह ताला ने माल और दौलत दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला भी बना दे, बोलो आमीन। एक वाकया बतला दूं फिर अपनी बात को खत्म करूं। अरे मौलाना जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दावत बरकातुह ने अपनी किताब में एक वाकया लिखा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बंदा था, वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब। एक मतलब हजरत मूसा से मुलाकात हुई और कहा मूसा अल्लाह से बातचीत करते हो ना तो अल्लाह से कह देना कि मेरी किस्मत में जितना लिखा है ना एक साथ दे दे, एक साथ सब दे दे कि कुछ दिन अच्छी तरह से जिंदगी गुजारूंगा और जब मेरी रोजी दुनिया से खत्म हो जाएगी तो मैं अल्लाह को बोलो ना तो आधा तो आपको पूरा खत्म करो, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मैं कह दूंगा। जब अल्लाह के सामने दरखास्त रखी गई कि अल्लाह तेरा एक बंदा है ये कह रहा है, कहा उसकी किस्मत में मैंने एक बकरी लिखी है, थोड़े से गेहूं लिखे हैं, थोड़े से दिनार लिखे हैं, जहां मैंने उसको दे दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बहुत तो हफ्ता चलेगा या 10 दिन चलेगा, 10 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा मर जाएगा क्योंकि उसकी रोजी खत्म हो गई तो वो चला जाएगा दुनिया से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं चंद महीनों के बाद उस रास्ते से वापस गुजरा तो मैं देख रहा हूं कि जहां झोपड़ा था वहां बहुत आलिशान बंगला खड़ा है और बंगले के अंदर एक तख्त बना हुआ है, तख्त पर वो आदमी बैठा हुआ है जिसकी किस्मत में अल्लाह ने एक बकरी लिखी थी, थोड़े से गेहूं लिखे थे, थोड़े से दिनार लिखे थे, वो तख्त पर बैठा है और टांगिये पे टांगिया चढ़ाया हुआ है और दस्तखान बिछाया हुआ है और दस्तखान बिछाकर अपने दोस्त अहबाबों को खिलाकर मजे उड़ा रहा है।
हजरत मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम को यह बात समझ में नहीं आई कि अल्लाह ये क्यों माजरा, इसकी किस्मत में तो इतना था, इसलिए आज कोई मौसम गाड़ी लिया ना, आप मौसम में कोई टोपी पहन पता फिर आएगा। अल्लाह की देन है, आज ही आज ही आज ही तरावी में कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंजिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। और दूसरी जगह पर हजरत ज़करिया और हजरत मरियम और किसी दूसरी रकात में इमाम साहब ने पहली दूसरी रकात में ये ही बताया कि अल्लाह जिसे चाहे रिस्क को खोल दे और जिसे चाहे रिस्क को क्या कर दे। हम कुरान ही नहीं समझते, कुरान ही नहीं समझते। अभी मैं आ रहा था आपकी मुलाकात के लिए तो मैंने एक जगह असर की नमाज पढ़ी, हजारों का मजमा, नमाज के बाद लोग बैठे हैं बाहर गप्पे मार रहे। मैंने कहा कि इस महीने में तो कुरान की तफसीर होनी चाहिए। अल्लाह की कसम खाकर मिंबरे रसूल से जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उम्मत में कितनी गफलत है देखो आज। मैंने कहा कि भाई कम से कम इतना सारा मजमा है, कम से कम आधा घंटा असर के बाद, असर के बाद सब कोठले पर बैठे हैं और लोगों की बातें कर रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, इससे अच्छा आधा घंटा इफ्तारी से पहले अल्लाह कुरान में क्या कहना चाहता है वो ही समझ ले तो क्या मौसम आ तो बात मशुरामा अभी भी पर कोई इंटरेस्ट नहीं निकल रही। क्या कहा, मैं अपने को बिहार बंगाल यूपी झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, बस आज के ही सफर की बात कर रहा हूं। मैं आज आ रहा था एक जगह असर की नमाज पढ़ी, नाम लूंगा तो गीबत हो जाएगी। आज अजीजों मेरे प्यारो हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे दिलों के अंदर दीन का एहतराम खत्म हो चुका है। इसलिए मैं बयानों में भी कहता हूं आज जो हमारे जामिया हुसैनिया है, जामिया अशरफिया है, रांदेर है, देखो हाँ सूरत के अंदर हजारों मदारिस है, उसमें जाकर देख लेना रमजान के बाद उस मदरसे में कौन पढ़ता है। बिहार बंगाल यूपी मणिपुरी ये तमाम बच्चे पढ़ते हैं, गुजराती बच्चे अलग बोलो जोर से नहीं पढ़ते, कैंप नहीं पढ़ता है, मौसम 5,000-6,000 बगल में आप लोग भी ना जी सके तो हम लोग किस तरह जीते। कभी देखा दुनिया के अंदर वकील लोग, बड़े बड़े लॉयर लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग बाहर निकलकर हड़ताल निकालते हैं, कभी मौसमों की हड़ताल कभी देखी है जिंदगी में आप लोगों ने, वो बेचारे 10,000 में भी खुश हो जाते हैं। मैं ये कहता हूं सबसे ज्यादा सस्ता आज के जमाने में जो है ना वो एक आली में बेचारा 500 रुपए में खुश हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। और आज बड़े दुख के साथ कहता हूं, बुरा लगे तो अल्लाह के लिए माफ कर देना, बाद में से बात निकली तो कह देता हूं दिन का दुखरा। आज हम उलमा को ज़कात देते हैं, फितरा देते हैं, अरे जो तुम्हें नमाज पढ़ाता है, जो तुम्हारी औलादों की तकदीर को बनाता है, जो तुम्हारी औलादों की जिंदगियों को संवारता है, आज तुम्हें उसे ज़कात देने शर्म नहीं आती। उनको सही पैसा दो, ज़कात मदारिस में दो, ज़कात यतीम बच्चों तक पहुंचाओ, ज़कात बेवाओं तक पहुंचाओ, ज़कात जहां मुसलमान हकदार है वहां ढूंढ ढूंढ कर पहुंचाओ। लेकिन आज हमारे उलमा को मुसलमानों अच्छा पैसा दो, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, जो तुम्हारे औलादों को अलिफ बा की तख्ती से लेके मिनल जिन्नति वन नास तक कुरान पढ़ाते हैं, पूरी जिंदगी का दारोमदार इस कुरान पर है। और आज इन उलमा के साथ मैंने और आपने क्या सुलूक किया है, अब खुद फैसला कर लो। आज मेरा घर और आपका घर महीने 20,000-25,000 के बगैर नहीं चलता है, चलता है बोलो भाई, नहीं चलता। आज इन उलमा इन जवानी को और इन्हीं जहन को अगर मार्केट में लगा देते, कसम खाकर कहता हूं मिंबर रसूल से बैठकर मुझे और आपको बिजनेस में पीछे लगा देते। क्यों कि अल्लाह ताला ने उनको पावर ऐसा दिया है, ऐसी मेमोरी दी है कि मुझसे और आपसे आगे जाकर मुसलमानों बिजनेस अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन क्यों ये मुसल्ला पकड़ कर बैठे रहे, यही कुरान पकड़ कर बैठे रहे, यही मदरसा पकड़ कर बैठे रहे, यही हमारे असातिज़ाओं की हमें तालीम है। बेटा 1,000 रुपए कम मिले तनख्वाह, लेकिन सबर और शुक्र के साथ अल्लाह के दीन को कभी न छोड़, ये हमारे असातिज़ाओं की तालीम है हमें।
सबर और शुक्र के साथ मिला, अल्लाह तेरा शुक्र है। और अजीजों मेरे मिला ना मिला तो बोलो भाई सबर। लॉकडाउन में मैं कितना चिल्लाया कि कितने उलमा ऐसे थे जिनके घर में इफ्तारी के वक्त खजूर नहीं थी। यहां पे दर्द की वजह से मैं सुना रहा हूं, कितने उलमा ऐसे चौकी के उलमा कि जिनके ईद के वक्त उनके घर में गोश्त लाने के पैसे नहीं थे। आज मुसलमानों जो नबियों के वारिस है, अब कोई नबी आने वाला बोलो जोर से नहीं है, जब नबियों के वारिस का हाल यह है तो बताओ उम्मत का हाल क्या होने वाला है। क्या बगैर मौसम की बारिश नहीं आएगी फिर? आसमानी बलाएं नहीं आएगी फिर? हवा के तूफान नहीं आएंगे? जलजले नहीं आएंगे? अल्लाह का आजाब नहीं आएगा? बरकतें उठ नहीं जाएगी? चीजों में से बरकत उठा भी लिया जाएगा? ये सब चीजें हम आंखों से देख रहे हैं लेकिन अपनी मौज मस्ती में पड़े हुए। वत्मनो बिहा, कुरान कह रहा है कि बस अपने अमल पर मुतमईन हो गए कि मैं तो बहुत तहज्जुद गुजार हूं, मैं तो बड़ा नेक हूं, मैं ये हूं। लेकिन याद रखो वत्मनो बिहा पे नाकाम नहीं चलेगा, खुद की भी हिफाजत करे और दूसरों की भी। बोलो भाई देख बात रखनी चाहिए। अजीज मेरे प्यारो, आज अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के रास्ते में देने वाले बनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बाद लोग कहते हैं कि कुरान के आबिदी को हमें हदिया देना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर बड़े 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 फैसले आते हैं और बड़े बड़े मुफ्तियाए किराम कहते हैं। लेकिन याद रखो आपके दुकान पर, मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझा देता हूं, आपके दुकान पर कोई नौकर हो उसको आप महीने की तनख्वाह देते हैं कि नहीं देते हैं? मैं आपको देसी मिसाल से समझाता हूं। बाद लोग तो इतने बड़े मुफ्ती बन जाते मौत साहब आप तो कुरान पढ़ने पर कुरान बेची रुकी हुआ है, क्या कहते हैं बोलो जोर से? ये हाफिज जी भजिया नहीं खाता है, ये हाफिज जी शरबत नहीं पीता है, ये हाफिज जी अपनी मनमानी चीज नहीं खा सकता है। क्यों बोलो भाई? कुरान आप लोगों को सुनाना है, और अगर जो उसने खा लिया और उसकी आवाज पर असर आ गया तो आपको कुरान सुना पाएगा? वो अपने नफ्स को मारता है, अपना टाइम देता है पूरा दिन कि भाई कल ये पढ़ना है, उसको रखता है, उसको पढ़ता है, उसको याद करता है, फिर जाकर मुसल्ले पर खड़े रहकर सुनाना मेरे और आपके बस की बात नहीं है, कोई खाने के खेल नहीं है, जो पढ़ता है उसे ही पता चलता है। इसलिए अजीज मेरे प्यारे उनको खुश करो, कुरान खाने, कुरान पढ़ने, कुरान सुनाने, कुरान को पढ़ाने वाले को इतना दो कि उनका दिल खुश हो जाए। क्या बोलो जोर से? इनका दिल खुश हो जाए। हम चाय की लाली पर बैठते हैं तो कितने पैसे उड़ा देते हैं, इतना ही हिसाब लगाकर इतना ही हाफिज जी को दे दे तो मुसलमानों उनका दिल खुश हो जाता है। और जब दिल खुश हो जाता है तो दिल की दुआएं निकलती है और दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ खुद ब खुद कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो अजीजों मेरे प्यारों ये आखिरी वाकया सुन लो। अरे मूसा अलैहिस्सलाम को यह मामला पसंद समझ में नहीं आया, कोहे दूर पर गए और अल्लाह से कहे अल्लाह ये बात समझ में नहीं आई, उसके किस्मत में तो एक बकरी चंद गेहूं चंद दिनार लिखे हुए थे, इतना सारा कैसे दे दिया? इसलिए जब भी देता है तो छप्पा मार के दे। नहीं और आप नहीं कह सकते कि आप ना दिया वो अकोने टोपी पे रहेगी अकोने मांझी लिया वो, ये तो अल्लाह के खजाने से लाया है भाई, तो उससे मांग वो तुझे भी देगा, जो अल्लाह मुझे देने वाला है वो अल्लाह तुम्हें भी देने वाला है, उसके खजाने में कभी कमी नहीं होती। अब अजीज मेरे प्यारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा है अल्लाह ये मामला समझ में नहीं आया, कहा मैंने उसको जितना दिया था उसने तमाम माल और बकरी मेरे रास्ते में क्या कर दिया, उसने कुर्बान कर दिया, मेरी रहमत भी जोश में आ गई, मैंने भी उसको बोलो बगैर हिसाब किताब उसको रोजी दे दी। तो अल्लाह ताला ने दिया है तो अल्लाह के घर में हम लिल्लाह पैसे से मदद करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और ज़कात से हमारे गरीब का हक है, मिस्कीनों का हक है, फितरा मिस्कीनों का हक है, गरीबों का हक है, तो उनको जान जान कर और कहकर के भाई ये ज़कात का पैसा है कहना चाहिए। ज़कात का पैसा किसी को दे रहे हो तो क्या चुपचाप मत दो, उसको कहना चाहिए कि भाई ये ज़कात का पैसा है आप दे सकते हैं? वो कहेगा नहीं मैं ज़कात नहीं लेता, तो आपकी ज़कात बोलो भाई
सही जगह जाएगी। अगर आपने नहीं कहा और चुपचाप दे दिया और वो ज़कात के मुस्तहिक ही नहीं है और उसने ज़कात ले भी ली, वो तो समझेगा मुझे हदिया किया है और इसी तरह आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो ज़कात देकर देना चाहिए कि देखो भाई ये ज़कात का पैसा है, ये फितरे का पैसा है, ये समाज की जिक्र हकम देनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको सही माने में सही जगह पर अपना माल लगाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो आज आपकी मस्जिद में जो तीन एसी लगी है, चार लगी है, बोलो तीन लगी है, तो उनका पैसा देना है तो उसमें कौन कौन हिस्सा लगाएगा? पहला बिस्मिल्लाह मैं करता हूँ, अगर मैं ही ना करूं और तुम्हारे से वसूल करवाऊं तो मेरा मौसा तो खाली बोलवा रहे, नेता तो पीछे नहीं। अल्लाह के लिए देना है तो कौन कौन हिम्मत करता है, बोलो इंशाअल्लाह। बाद में देना हो, अभी देना हो, आपके ट्रस्टी हजरात, आपके मुतवल्ली हजरात, आपके कमेटी मेंबर यहाँ पर है, यहाँ के इमाम साहब है, यहाँ जितने भी लोग हैं जो आप जानते हो, आप उनको अल्लाह के लिए लिल्लाह मस्जिद में कौन सा पैसा देना है, बोलो जोर से लिल्लाह पैसा अपनी मस्जिद में लगाना है। सब लगाओगे, बोलो इंशाअल्लाह। बाद में देने के, चलो हमारे इमाम भी बड़े रहम वाले हैं, अभी दवा गर्म है, अभी लेना हो तो अभी वसूल कर लो। अफजल भाई क्या देना, उस्मान भाई क्या कहना है, बोलो जोर। बस अल्लाह ताला हम सबको देने वाला बना है, बोलो आमीन। हमारा पैसा अल्लाह की बैंक में जमा कराओ, वहां घाटा नहीं जाएगा। आजकल तो बैंक बंद हो जाती है, उठ जाती है और पैसे बोलो भाई चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह की बैंक कभी उठेगी नहीं, कभी बंद नहीं होगी, उसका कभी डिफरेंट बोलो भाई मिलने ही वाला है वहां से। यहाँ तो मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वहां तो परफेक्ट आपको मिलने ही मिलने वाला है, उसमें कोई शक और शुबा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا أول الأولين ويا أخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا الله هم سب گناہوں کو تو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے خطا اور بدل گزر فرما یا اللہ ہمارے گنہگار ہیں سارے خطا کار ہیں سارے مجرم ہیں آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب گناہوں کو تو معاف فرما دے یا اللہ اپنے رمضان تک پہنچا دیا ہے یا اللہ رمضان کے ایک گھڑی کو صحیح معنی میں یا اللہ گزارنے والا بنا دے اے اللہ رمضان کی تلاوت رمضان کی تراویح صحیح معنی میں روزہ ہم سب کو کرنے والا بنا دے اے اللہ تیری رضا عطا فرما دے تیری خوشنودی عطا فرما دے اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما دے ہمیں اپنی زندگیوں کی سچی اور پکی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے اے اللہ یہ پروگرام جن تشتی حضرات نے امام صاحب نے جو جمایا ہے اور جتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اللہ تمام کی محنتوں کو قبول فرما لے اللہ دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ان کی روزیوں میں خوب برکتیں عطا فرما دے اے اللہ جو اپنے گھروں کی فکر کرتے ہیں اللہ تو ان کی گھروں کی فکر فرما لے اے اللہ جو مسجد کی فکر کرتے ہیں مسجد کے لیے اللہ جد و جہد کرتے ہیں اللہ مسجد کے لیے اپنے وقت کی اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں اے اللہ ان کو تیرے خزانے غیب سے عطا فرما دے اے اللہ آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرما دے اللہ دشمنیوں کو ختم فرما دے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے آپس میں خوب محبت عطا فرما دے اے اللہ اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اے اللہ تمام مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو حلال اور پاکیزہ رزق کا غیب سے انتظام فرما دے اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما دے جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما دے جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح خوبصورت حسین و جمیل اولاد عطا فرما دے اے اللہ جن کی اولاد ہے اور نافرمان ہے اللہ ان اولادوں کو ان کے ماں باپوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہماری اولادوں کو اللہ نیک بنا دے
अल्लाह नेक बना दीजिए, अल्लाह दीन के दाई बना दे, दीन के सहदारी बना दे। अल्लाह यहाँ जितना मजमा बैठा है उनके दिलों में क्या ख्वाहिशें हैं अल्लाह तू जानता है। अल्लाह तमाम की दिली जायज तमन्नाओं को तो पूरा फरमा दे। तमाम को या अल्लाह तरावी के बाद बैठ रहे हैं, बड़ी कुर्बानी की बात है, या अल्लाह तमाम का बैठना कबूल फरमा ले। अल्लाह नजात का जरिया बना दे, अल्लाह तमाम का बैठना कबूल फरमा ले। अल्लाह जो काम रुका है तेरे खजाने गैब से पूरे फरमा दे, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह जिन लोगों ने दुआ किए कहा या लिखा या जो बेचारे उम्मीद रखते कह नहीं सकते, अल्लाह तमाम की दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, तमाम की परेशानियों को दूर फरमा दे, तमाम को या अल्लाह आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआओं को तेरे पाक नामों के तुफैल और तेरे नाज़िल नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सबके तुफैल में कबूल फरमा। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.